स्वर्जन पेंशन योजना को लेकर बुधवार को दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम गुमला के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम भाग एक में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई और मंत्री भी शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने कार्यक्रम में शामिल होने वाले लाभुकों के लिए पड़ाव स्थल चयनित किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनीष चंद्र लाल ने बताया कि सिमडेगा, खूंटी और रांची से आने वाले लाभुकों के लिए सुबह 10 बजे से सेंट पैट्रिक स्कूल में पड़ाव बनाया गया है। सुबह 10 बजे से इस क्षेत्र में आने वाले सभी लाभुकों की गाड़ियां बाईपास होते हुए रामनगर स्थित बाजार समिति में आएगी। वहीं लोहरदगा, घाघरा और विष्णुपुर से आने वाले लाभुकों के लिए दुंदुरिया स्थित सरकारी बस पड़ाव में स्थल चयन किया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी वीआईपी व निजी छोटे गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था स्टेडियम भाग दो में बनाई गई है। समय गतिविधि कुछ इस तरीके से है। 12:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री का पूगू हवाई अड्डे गुमला में आगमन होगा। वहीं 12:40 में पूगू हवाई अड्डा से परमवीर अल्बर्ट एक्का गुमला में प्रस्थान। वहीं 12:50 में परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आगमन। पेंशन वितरण योजना के सांकेतिक वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेना। 3:00 परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला से सड़क मार्ग द्वारा पूगू हवाई अड्डा प्रस्थान। 3:10 पूगू हवाई अड्डा गुमला आगमन। 3:15 पूगू हवाई अड्डा गुमला से हेलीकॉप्टर द्वारा रांची के लिए प्रस्थान करेंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का गुमला में उनका प्रोग्राम जो आयोजन किया गया उसके लेकर विधि जो यातायात की व्यवस्था है जिस उस तरह बनाया गया जिससे कि लोहरदगा और घाघरा बिशुनपुर वगैरह तक आने वाले लोगों को पुरानी बस स्टैंड में वो अपने गाड़ियों को पार्किंग करेंगे और रांची तरफ और खूंटी वगैरह से आने वाले लोग संत पात्रिक स्कूल में दिन के 10 बजे तक और सारी गाड़ियां आने वाली गाड़ियों को हम लोगों ने उन लोगों को बाजार समिति में गाड़ी खड़ी की जाएगी। कोई भी बड़ी वाहनों को अपने शहरी क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और जितनी भी छोटी गाड़ी आएगी उसको हम लोग पार्किंग वीआईपी और अदर जो गाड़ियाँ आएगी उसको पार्किंग हम स्टेडियम नंबर 1 में हम लोगों ने किया है, स्टेडियम 2 में किया है हम लोगों ने किया है और सभी लोग को समुचित रूप से यातायात यहाँ संचालन किया जाएगा, किसी को कोई असुविधा ना हो, इसलिए ये व्यवस्थाएं संपूर्ण ढंग से जांच कर बनाई गई है। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।